LMS transfer system. इसमें सर स्टूडेंट्स की जो कुछ प्रॉब्लम्स अगर लाइब्रेरी में फेस करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम, तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो बेसिकली आती है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के क्लास में लाइब्रेरी के रूम्स कुछ अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती, दो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है रिटर्न डेट हो जाते हैं कब रिटर्न कर, उसके ऊपर उनको फाइन चार्ज कर होता है, उसके बाद समटाइम जो लेट फी इशू रहता है मतलब फीस उनको फाइन लग गया और उसके बाद उनको पेमेंट करने के लिए अकाउंट्स ऑफिस में लगे हुए लाइन में खड़ना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फी पेमेंट जो मतलब पेमेंट रिसिप्ट के लिए उनको खड़ना पड़ता है। उसके बाद जो री इशू होते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स हॉलीडे पर होते हैं तो उनको री इशू करवाने के उनका टाइम आ गया मतलब रिटर्न करने का टाइम आ गया, बट री इशू प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके री इशू होगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम है, इसमें बेसिकली इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये बेसिक ऑपरेशन है जो उसमें ये बेसिक ऑपरेशन हर एक लगे हुए मैनेजर सिस्टम होता है डिलीट ऑपरेट एड बुक्स, तो ये कुछ जो मैंने ऐड किया है इसमें ऑनलाइन फी पेमेंट, इसमें हम कर सकते हैं जो फाइन है वो फाइन उस सिस्टम पे ही फाइन पेमेंट हो जाएगा और वहीं डिस्ट्रिक्ट पे, जिससे उनको अकाउंट्स ऑफिस की लाइन में ना करना पड़े और वहीं पे उनके साइन हो जाएगा और वहीं पे नोटिस जो उनका होता है वो साइन हो जाएगा। उसके बाद बुक्स नहीं अवेलेबल है तो बुक्स हम ई बुक्स के तौर पर अवेल करवा सकते हैं, जिससे उनका जो टाइम है वो बचेगा। उसके बाद जो मतलब रिटर्न डेट भूल जाते हैं उससे एक SMS और मेल सर्विस हम उनको दे सकते हैं, जिससे उनको रिमाइंडर आता रहेगा।